punch. If you have a problem, pull this handle. It signals us and we arrive in the blink of an eye. सब लोग कहाँ चले गए? हे, कहाँ हो दोस्तों? हेलो, प्लीज जरा संभाल कर। तुम तैयार हो ना दोस्तों? मुझे नहीं लगता एल को ये सरप्राइज वाला आइडिया अच्छा लगेगा। ओ, चलो भी गिलबर्ट, उसे बहुत अच्छा लगेगा, देख लेना। चलो ठीक है, मैं रह गया अकेला। वन टू थ्री, हैप्पी बर्थडे एल। हे, कीड़ों वाला केक। थैंक्स मेरे दोस्त। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें याद रहा। तुम मॉब जैसे नहीं हो। उसे पता है आज मेरा बर्थडे है, पर फिर भी वो सुबह से कहीं नहीं दिख रहा है। वैसे भी मुझे तो पता ही था कि वो बहुत मतलबी है। नहीं 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 एल, नहीं 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 नहीं। हाँ, बहुत मतलबी है। सरप्राइज, तुम्हारा वो मतलबी दोस्त इस केक में था। ओ, चलो भी बॉब, मेरा मतलब वो नहीं था। देर हो गई, तुमने कह दिया और ये केक मैं अपने लिए रख रहा हूँ। चलो भी बॉब, ऐसे मत जाओ। चलो भी दोस्तों, तुम एल के बर्थडे पर इस तरह लड़ नहीं सकते। हम ये सब बाद में सुलझाएंगे। हम जंगल बंच देने आ रहे हैं। फ्री सर्विस विदाउट लंच। या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कुलचा ड्यूल सैम, लो आ गए हम। बताओ क्या है प्रॉब्लम? Well, मेरा नाम है एडमंड और मैं यहाँ अपने अंकल्स की वजह से आया हूँ। क्या तुम उनसे नाराज हो? नहीं, जरा भी नहीं। वो मुझे बहुत प्यारे हैं और मुझे उम्मीद है किसी दिन मैं उनकी तरह झाड़ियाँ काटने में माहिर हो पाऊंगा। झाड़ियाँ काटने वाले बीबस असली कलाकार होते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम तो चलना सीखने से पहले झाड़ियाँ काटना सीख जाते हैं। मिगेल भी चलने से पहले डिशम करना सीख गया था। ये सब काफी इंटरेस्टिंग है, पर आखिर तुम्हारे अंकल्स का मसला क्या है? कल रात को वो गायब हो गए। मैंने आपको नहीं बताया? फिकर नॉट एडमंड, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। बचाने में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। चलो दोस्तों। कितना सुंदर है। मैंने कहा था ना, मेरी फैमिली में हम झाड़ियाँ काटने में माहिर हैं। बड़ा होने के बाद मैं अपने अंकल जैसा बनना चाहता हूँ, जो उनके अंकल जैसे हैं, 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 जो उनके... हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए। जंगल बंच, मुझे खुशी है तुम सब यहाँ आ गए। हमें बहुत फिक्र हो रही थी। फिक्र नॉट, हम पता लगाएंगे आपके माहिर झाड़ी काटने वाले कहाँ पर हैं। उनके गायब होने से पहले आपने कुछ भी नोटिस किया था? मुझे बस इतना याद है कि आधी रात को एक अजीब बज की आवाज आई थी, कुछ ऐसी थी। नहीं नहीं नहीं, शायद वो ऐसी थी बिज 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 बिज, नहीं वो ऐसी थी बिज 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 बिज, और फिर ऐसी हो गई बिज बिज बिज। हाँ, हम समझ गए, एक बस। मेरे ख्याल से तो वो कुछ ऐसी थी। हाँ, ऐसी ही थी, एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, हम इस इलाके में ढूंढना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे एक जरूरी चीज मिल गई है। बहुत अच्छे, इससे तो वाकई मदद मिलेगी। एडमंड, तुम्हारे अंकल्स बहुत जल्दी घर आ जाएंगे, तो चलो चले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आखिरकार पहुंच ही गए। काफी लंबा रास्ता था। जल्दी करो, मैं ऐसी जगह में रहना चाहता हूं जहां सिर्फ मैं और आखिर में सिर्फ मैं ही दिखूं। व्लादिमीर, उस पर फिर से महान बनने की धुन सवार हो गई है। व्लादिमीर, तुम सुन रहे हो? मैं हूं मॉरिस। बीवर्स को जाने दो, वरना मिगेल तुम्हें उल्टा लटका कर तुम्हारी धुनाई करेगा। ओह नो, फिर से जंगल बंच। तुम हमेशा महान व्लादिमीर के महान रास्ते में आ जाते हो। जी मास्टर, हमेशा।
जंगल मंच को हमारे एरोज मिल गए। हम बच गए। पर इस बार तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। कभी नहीं, इस बार नहीं। ओ अच्छा, ऐसा तुम्हें लगता है। मेरे प्यारे नन्हे टाइगर मच्छरों, उन पर हमला करो। ओह नो, टाइगर मच्छर, इनका दम बहुत बहुत दर्दनाक होता है। मैंने कहा था ना जंगल पंच, इस बार तुम महान व्लादिमीर को नहीं रोक पाओगे। हमारी खैर नहीं। मिगेल टंक मारने वालों को डिशुम करेगा। बेचारा जूनियर, उन्होंने तुम्हें भी नहीं छोड़ा। फिक्र मत करो, मेरे पास मच्छर के डंक को ठीक करने का इलाज है। तुम्हारा आम वाला इलाज तो कमाल का है गिलबर्ट। चलो मेरे दोस्तों, अब व्लादिमीर को दिखाते हैं हम क्या चीज है। मच्छरों के होते हुए मंदिर नहीं जा सकते। हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ तो सोचना ही होगा। सही काम मॉरिस, मैंने सोच लिया। चलो उसके लिए तोहफा बनाएं। इस तोहफे को वो मना नहीं कर पाएगा। मास्टर, मास्टर, आपको यहाँ आकर ये देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तुमने महान व्लादिमीर को यूं ही परेशान नहीं किया है। पर ओ, 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 कुछ दिख नहीं रहा। रुकिए मास्टर, आपको मदद की जरूरत है क्योंकि आप बहुत छोटे। क्या कहा तुमने, मैं बहुत क्या हूँ? मेरा मतलब बहुत नीचे मास्टर। मुंह संभाल कर बोलो। ओ कितना सुंदर है, मैं बात समझ गया। जंगल बंच जान गए कि वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और इसलिए उन्होंने व्लादिमीर के वफादार बनने का फैसला किया। सुनो, उस मुझ जैसी दिखने वाली मूर्ति को अंदर ले आओ। बहुत अच्छे गिलबर्ट, तुम्हारा प्लान काम कर गया। तारीफ तो बॉब की होनी चाहिए, उसी के एल वाले सरप्राइज केक से मुझे ये आइडिया आया। ठीक है दोस्तों, चलो बीवर्स को छुड़ाते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ? तुम सही कह रहे हो जूनियर, इतने मच्छरों के होते हुए आसान नहीं होगा। उनके वापस आने से पहले हमें जल्दी से पिंजरे तक पहुँचना होगा। चलो मेरे पीछे आओ। ओ, मैं महान हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं है। जी मास्टर, जी मास्टर। चलो हो जाए। दोस्तों जल्दी उठो, हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। अरे जंगल बंच, तुम अंदर आ गए। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम सब पिंजरे की सलाखों को चबाकर भाग क्यों नहीं गए? ओह नो, बैम्बू बहुत खराब होता है। बहुत ही नमकीन। उसके टुकड़े दांतों में अटक जाते हैं। ठीक है, तो मिगेल क्या तुम इन्हें पिंजरे से बाहर निकालोगे प्लीज? अभी लीजिए मिस्टर मॉरिस। वो मच्छर कभी भी वापस आ जाएंगे, जल्दी करो निकलो यहाँ से। ये जाने के लिए तैयार है। क्या तुमने इस झाड़ी का शेप देखा? ये पूरा नहीं हुआ है। हम इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। किसकी हिम्मत हुई महान व्लादिमीर को जगाने की? ओ जंगल बंच, तुम मेरे कैदियों को नहीं चुरा पाओगे। सॉरी जंगल बंच, हम खुद को रोक नहीं पाए। मेरे पास एक आइडिया है, सब नीचे झुको इसी वक्त। हे मच्छरों, तुम मुझे काटना चाहते हो? मैं कमिंग।
बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे मॉरिस। ठीक है व्लादिमीर, आप तुम्हारी बारी है। चलो चले मेरे वफादारी गौर। जैसा आप कहें मास्टर। हम फिर जरूर मिलेंगे जंगल बंच। और तब मैं जीतूंगा। मॉरिस, वो मूर्ति के नाक और कान से बाहर आ सकते हैं। आउच! आउ! बॉब, एल की तरफ से तुम्हारे लिए। खुदा कर माफी मांगने वालों में से वो नहीं है, मुझे पता ही था। पर एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि इस केक के अंदर कुछ है, है ना? हेलो एल। हेलो। क्या तुम मेरे साथ अपना केक शेयर करोगे मेरे दोस्त? इतना तो मैं कर सकता हूँ।